हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु कौशल। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी फाइन एट योर होम एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। एज यू नो दैट नाउ कोविड इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर इन इंडिया, सो प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक विच इज़ वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। Wild life refers to animal, birds and insect that are not kept in a house or on a farm. जो वाइल्ड लाइफ हम किसके लिए रेफर करते हैं, किन जानवरों के बारे में बात करते हैं, वो होते हैं जिनको हम अपने फार्म पर या घर पर नहीं रखते हैं, उनको हम किस में रेफर करते हैं, वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सब आ जाते हैं। एंड दे लिव इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। इंडिया हैज़ अ रिच वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं इंडिया में, बट वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन हंटेड एंड किल्ड इन लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन आपको जैसे पता है कि लोग जो हैं अपने शौक के लिए या किसी और रीज़न की वजह से उनका शिकार करते हैं और उनको मार देते हैं। दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन, फॉर हॉर्न एंड टस्क। देखिए, जिसमें आपको कुछ शौक के लिए करते हैं और कुछ अपना जैसे कहते हैं ना स्किन बेच देते हैं, उसके फर, हॉर्न, टस्क, इन चीज़ों का व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आगे उसको, जबकि अलाउ नहीं है बट ऐसा वो करते हैं। हंटिंग और किलिंग वाइल्ड एनिमल इज़ नाउ बैन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही बैन कर दिया है। इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल है, अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं जो कि गलत हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये जानवर होते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दर्द सबको होता है। तो प्लीज़ आप अपने जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है या कोई भी है, पेट एनिमल्स हैं, किसी के ऊपर भी किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये था वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस क्या होते हैं, हमने देखे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि होते क्या हैं इंडिया में। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हैं, उन सबको पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसमें ये पता करेंगे कि सेंचुरीज होती क्या और नेशनल पार्क्स होते क्या है। फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर कौन सी स्टेट में पाई जाती है और उनके मेन एनिमल्स कौन से हैं। क्यों, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लगता है मोर देन 500-600 से ज़्यादा है, तो उनको स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हम करेंगे, कुछ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड होम्स टू वाइल्ड एनिमल्स बाय सेटिंग अप सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स को होम। कैसे प्रोवाइड किए, थ्रू बाय सेटिंग अप सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए हैं। एंड दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज़, और ये प्रोटेक्ट होते हैं चारों तरफ से। ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द इनडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और ये साथ में जो हमारे इनडेंजर स्पीसीज होते हैं, इनडेंजर्स होती है जो ख़त्म होने वाली जो हमारी जो जातियाँ होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स हु आर अ रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल। ऐसे कुछ प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत कम रह गए, तो उनको बचाने का भी ये एक तरीका है। अ लार्ज वराइटी ऑफ फिशेज, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर और डिफरेंट तरह की वैराइटीज़ की फिशेस, बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी मिलते हैं। दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड इन सेंचुरी। वो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है सेंचुरीज में। अगर आपसे पूछा जाता है ना कि सेंचुरीज में किन को प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ में, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे एनिमल्स तो आते ही हैं, साथ में कौन सी फिशेज़ भी आती हैं, बर्ड्स भी आते हैं और रेप्टाइल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में होते क्या है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन वेयर अ नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ। नेशनल पार्क क्या होता है? एक ऐसी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और नेचुरल वेजिटेशन है उनको संरक्षित रखता है, उसके चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करता है। आप लोग भी पार्क में गए होंगे तो आपने देखा है ना, उसके चारों तरफ फेंस लगा होता है और कोई भी नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, किसी भी लोगों को बिना किसी इजाज़त के उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाता। इट इज़ एन इनक्लोज्ड एरिया विद फेंसिंग लगी होती है चारों तरफ। ठीक है,
और उसके ही अपोजिट मैं आपको बताऊँ तो वाइल्ड लाइफ भी पार्क की तरह ही होता है, बट इसमें ना फेंसिंग वाला नहीं होता है, एक तरफ से एक जंगल सा बना होता है जो ओपन होता है वहाँ पर, क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं वाइल्ड लाइफ में, उनको आप बंद करके नहीं रख सकते हैं, तो ये खुला टाइप में होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को संरक्षण करने के लिए बना होता है। इट इज़ नॉट इन्क्लोज्ड बाय एनी टाइप ऑफ फेंसिंग, ये किसी भी फेंसिंग से चारों तरफ से या कहीं से इनक्लोज नहीं होता है, ठीक है। दे आर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है, 500 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा तो हमारे नेशनल पार्क्स है और 500 से ज़्यादा हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आज ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।